नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। हालांकि विपक्षी दल वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। उनकी इस टिप्पणी पर केंद्र के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने जमकर निशाना साधा, लेकिन इसके एक दिन बाद यानी शनिवार को फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि दूरी का ध्यान रखें, वैक्सीन कहाँ है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ के मुताबिक अगर तीसरी लहर को रोकना है तो औसतन 69,05,000 वैक्सीनेशन रोजाना किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में पीछे है। रोजाना अभी सिर्फ औसतन 50,08,000 वैक्सीन ही लगाई जा रही है। इस ग्राफ के साथ राहुल ने तंज कसते हुए लिखा, टारगेट और रोजाना हो रहे वैक्सीनेशन को देखें, जिसमें बहुत ज्यादा दूरी है। इससे पहले शुक्रवार को जैसे ही राहुल ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया था, वैसे ही बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो गए। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा कि बीते दिन ही मैंने जुलाई के बारे में वैक्सीन के आंकड़े रखे थे, राहुल गांधी की क्या दिक्कत है, क्या वो पढ़ते नहीं है। फिलहाल अहंकार और अज्ञानता की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में फिर से सोचना चाहिए। आपको बता दें, भारत ने अब तक 34,41,00,000 से अधिक COVID-19 वैक्सीन की खुराक दी है। शुक्रवार को 38,88,643 लोगों का टीकाकरण हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।